أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कल के दरस में आप हजरात के सामने आलम बरज़ख के अंदर अजाब और सवाब होता है इसका जिक्र कर दिया था। इसी के साथ साथ मुआहदे को तोड़ने वालों की सजा क्या है उसका भी जिक्र कर दिया था, और ये बात भी आप हजरात की खिदमत में जिक्र कर दी थी कि अगर किसी कौम के साथ मुआहदा हो जाए फिर अगले आदमी अगली कौम की तरफ से मुआहदा तोड़ने का इंसान को खतरा महसूस हो तो फिर उस मुआहदे को तोड़ना भी जायज है। कल के दरस में इन बातों को आप हजरात की खिदमत में जिक्र कर दिया था। आज की ये जो पहली आयत मुबारका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका के अंदर कुफार को धमकी लगाई है और उनको डराया है इस बात से कि अगर तुम पर पकड़ नहीं आ रही, अगर तुम अल्लाह के अजाम में नहीं आ रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग कामयाब हो चुके हो, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से ढील है। एक वक्त आएगा फिर अल्लाह ताला तुम पर अजाब को मुसल्लत कर देंगे। पहली आयत मुबारका के अंदर इस बात को जिक्र फरमाया है। इरशाद फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया वो हरगिज गुमान ना करें सबकू के वो छूट गए। उनको ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि हमारी जान छूट गई, ये उनके जहन के अंदर बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं होनी चाहिए। फरमाया इन्नहुम ला युजिज़ून, वो लोग आजिज नहीं कर सकते, यानी कोई सूरत भी ऐसी नहीं है कि कुफार इकट्ठे मिलकर मुसलमानों को आजिज कर दें या अल्लाह ताला की कुदरत को ताकत को आजिज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को कुव्वत और ताकत को का जिक्र फरमाया है कि वो चीजें जो जंग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं उन चीजों को हमेशा मुसलमानों के लिए अपने पास रखना चाहिए और उन चीजों की खरीदो फरोख्त और उनकी तैयारी मुसलमानों के लिए जरूरी है। हर दौर के अंदर आलात जंग जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको अपने पास रखना इसका हुक्म दिया जा रहा है। हर दौर के अंदर आलात जंग जो है वो अलग अलग होते हैं। हमारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में जिन चीजों से जंग की जाती थी, लड़ाई की जाती थी, उन चीजों के अंदर तीर अंदाजी थी और नेजे के साथ लड़ना, तीरों के साथ लड़ना, तलवारों के साथ लड़ना, घोड़ों को तैयार रखना, ये ऐसी चीजें थी जिनके साथ इंसान जंग किया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तय्यिबा के अंदर इन चीजों के बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं। जैसा कि एक हदीस मुबारका के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घोड़े की पेशानी के अंदर खैर रख दी है क्यामत तक। अब देखो घोड़े की फजाइल का जिक्र किया जा रहा है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी जो है उसके सीखने के बारे में भी बहुत सारे फजाइल बयान फरमाए हैं कि तीर अंदाजी को सीखना चाहिए, तीरों को अपने पास रखना चाहिए, ये ऐसी चीजें इंसान और मुसलमानों के पास होनी चाहिए। इन चीजों के फजाइल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाए हैं। उस जमाने के अंदर जंग इन्हीं चीजों के साथ की जाती थी, लेकिन आज के जमाने के अंदर जो जंग है वो आप जरा समझते हैं तलवारों के बजाय गोली के साथ की जाती है, बंदूकों के साथ की जाती है, टैंकों के जरिए की जाती है, हवाई जहाजों के जरिए की जाती है। तो उस जमाना के अंदर उन चीजों को पालना और संभालना जरूरी था, और इस जमाना के अंदर इन चीजों की ट्रेनिंग मुसलमानों के पास होनी चाहिए ताकि इसकी वजह और फायदा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन्हीं आयात में जिक्र फरमाया है
है जिसे अल्लाह का दुश्मन भी डरता है और तुम्हारा दुश्मन भी डरता है, उन पर रोब और दबदबा मुसलमानों का होना चाहिए। इसी चीज को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, तैयार करो उनके लिए जो तुमसे हो सके। मिन कुव्वतिन यानी कुव्वत। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके लिए जो कुछ तुम्हारे पास हो सके अपने तरफ से पूरी कोशिश करो। और फरमाया कुव्वत वगैरह क्या है, उनके खिलाफ इंसान के पास होनी चाहिए अपनी कोशिश के मुताबिक और ताकत के मुताबिक। आगे फरमाया उमर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवल्लाह, और बंधे हुए घोड़े, क्योंकि उस जमाने के अंदर घोड़े जो हैं इसके साथ जंग की जाती थी, और बाज घोड़े ऐसे होते थे जो सीखे हुए होते थे मैदान जंग में, वो उन पे मुजाहिदीन सवार होकर जिहाद किया करते थे। फरमाया घोड़ों को पालो। और फरमाया इसी तरीके से इरशाद फरमाया तुरहिबून बिही अदुवल्लाह व अदुवकुम, तुम इसके जरिए अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डराते हो। यानी इसके जरिए क्या है, अल्लाह के दुश्मन भी डरेंगे और तुम्हारे दुश्मन भी क्या है भाई, डरेंगे। मुसलमानों के दुश्मनों पर भी रोब और दबदबा होगा और अल्लाह के दुश्मनों पर भी क्या है भाई, रोब और दबदबा होगा। जब मुसलमानों के पास हथियार बहुत मजबूत होंगे तो आप समझते हैं कि काफिर जो है इस चीज से क्या है, डरेंगे। जब वो डरेंगे तो फिर इस्लाम को फैलाने के अंदर, इस्लामी तालीमात पर अमल करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। वह आखरीन मिन दूनिहिम, और उनके अलावा और लोगों को, ला तालमूनहुम, नहीं जानते तुम उनको, अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाह उन्हें जानता है। क्या इरशाद फरमाया कि जो मौजूदा दुश्मन है वो भी तुमसे डरेंगे, और जो जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह उनको जानता है, वो भी इन चीजों की वजह से तुमसे क्या है भाई, डर जाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जब तक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे उस वक्त तक तो मुशरिकीन मक्का, उन पर रोब और दबदबा था मुसलमानों के हथियारों की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद में बहुत सारी जो है सल्तनतें फतह हुई, उन दुश्मनों को अल्लाह ताला जानते थे और सहाबा इकराम के बिल्कुल सामने वो दुश्मन नहीं थे। अल्लाह ताला ने उनको जिक्र फरमाया है कि तुम उनको भी डराओ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन है और तुम्हारे दुश्मन है, और इसकी वजह से वो दुश्मन भी डर जाएंगे जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह ताला जानते हैं। आगे फरमाया उमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, अब देखो हथियार खरीदने में पैसे लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पैसे को कभी जिक्र फरमाया है कि जिन पैसों के जरिए, माल के जरिए तुम हथियार खरीदोगे दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, फरमाया उस माल पर भी अल्लाह ताला तुम्हें क्या देंगे, अजर देंगे। फरमाया वमा तुनफिकु मिन शैइन, जो चीज भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, फरमाया युवफ्फा इलैकुम, तुम्हारी तरफ पूरी पूरी अदा कर दी जाएगी। वअंतुम ला तुज़लमून, और फरमाया हक तलफी नहीं किए जाओगे। यानी जो चीज भी अल्लाह के रास्ते में दी जाती है, अल्लाह फरमा रहे हैं उसका बदला तुम्हें क्या मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा। और बाद आयत मुबारका के अंदर दुगने का भी जिक्र है कि अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ाकर इंसान को क्या करते हैं, वापस करते हैं। अब इस किस्म के जो जंगी हथियार इंसान खरीदता है और उस पर माल खर्च होता है तो उस पर भी अल्लाह ताला अजर देंगे, और लड़ने पर भी क्या है भाई, अल्लाह ताला अजर देंगे। इसी तरीके से रिवायात के अंदर एक और बात आई है कि एक तो लड़ाई होती है बिल्कुल हाथों के जरिए, यानी तलवार नेजे इन चीजों के जरिए होती है, और एक लड़ाई जो होती है फरमाया वो कलम के जरिए भी होती है और जुबान के जरिए भी होती है। कि जिहाद बिल लिसान भी है और जिहाद बिल कलम भी है। जिहाद बिल लिसान और कलम का क्या मतलब है कि अगर कुफार की तरफ से इस्लाम पर कोई एतराजात किए जा रहे हो, किताबें लिखी जा रही हो, तो फिर कलम के जरिए उनका जवाब देना क्या है भाई, जरूरी है। इसको क्या कहा जाएगा, जिहाद बिल कलम। इसी तरीके से अगर कुफार जो है जुबान के जरिए इस्लाम पर एतराजात करते हैं, तकरीरें करते हैं, इस्लामी तालीमात पर कुछ ना कुछ बातें कसते हैं, तो फिर जुबान के जरिए जो इस्लामी तालीमात का और इस्लाम का दिफा किया जाए, इसको क्या कहा जाता है, जिहाद बिल लिसान। यानी जिहाद जो है वो जुबान के साथ भी होता है, जिहाद कलम के साथ भी होता है। इसी तरीके से जो असल जिहाद है वो किसके साथ होता है, तलवार और नेजे के साथ होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात को यहाँ पे जिक्र फरमाया है कि जो इंसान माल खर्च करके हथियार खरीदता है, या इसको उमूम के तौर पर लिया जाए तो किताबें या जो चीज भी खरीदी जाती है जिसकी वजह से कुफार का मुकाबला किया जाए और उनका जवाब दिए जाए, फरमाया उन सारी की सारी चीजों पर अल्लाह ताला क्या देते हैं, अजर देते हैं। आगे फरमाया व इन जनाहु लिस्सलमी फजनाह लहा व तवक्कल अलल्लाह, अगली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलह जिक्र फरमाई है कि अगर कुफार की तरफ से सुलह का पैगाम आए तो तुम भी क्या कर लिया करो, सुलह कर लिया करो। लेकिन उलमा ने यहाँ पे ये बात लिखी है कि सुलह
जो है ये मुसलमानों की तरफ से पैगाम नहीं होना चाहिए। अगर कुफार क्या कहें हम तुम्हारे साथ सुलह करना चाहें तो फिर मुसलमान क्या कर ले भाई, सुलह कर ले। वजह ये बयान फरमाई है कि अगर मुसलमान सुलह का पैगाम भेजेंगे तो मुसलमानों को क्या समझेंगे, कमजोर समझेंगे, और मुसलमानों की कमजोरी उनके सामने बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया था कि जब वो मस्जिद हराम में चल रहे थे, फिर रहे थे, तो कुफार ने क्या कहा कि देखो ये तो कमजोर हो चुके हैं, बुखार की वजह से चल ही नहीं सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जब तवाफ करना है तो पहले 3 चक्रों में जरा अकड़ के चलना है, ताकि कुफार को, मुसलमानों को कुफार की अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए मुसलमानों को, यानी कुफार के सामने बिल्कुल क्या है, मुसलमान डट जाए। इसीलिए तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हमें ये बातें सिखाई हैं जिससे मुसलमान की कमजोरी की तरफ इशारा है, उनसे मना फरमाया है। जैसा कि आपने फरमाया कि पांव जो है वो उठा के चलना चाहिए, यूं ना चलो कि जैसे पांव को घिसड़ा घिसड़ा के आजकल मुआशरे में हम चलते हैं। इससे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मना फरमाया। क्यों, देखने वाला क्या कहता है कि ये तो कमजोर है, इसकी तो टांगों में सहारा ही नहीं है, अगर कोई काफिर ऐसे मुसलमान को देख ले तो वो और ज्यादा दलेर हो जाएगा। यानी चाल भी ऐसी मुसलमान की होनी चाहिए जिसकी वजह से कुफार पर क्या हो जाए भाई, दबदबा पैदा हो जाए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाठी जो है रखने का भी तालीम दी है कि मुसलमान को चाहिए उसके हाथ में क्या होनी चाहिए भाई, लाठी होनी चाहिए। और फायदा ये बयान फरमाया है कि जिस इंसान के हाथ के अंदर लाठी होती है, फरमाया उसका दिल कमजोर नहीं होता। आप समझते हैं कि जब लाठी हाथ में होगी तो कम से कम मुसलमान थोड़ा सा असला तो होना चाहिए, और सबसे कम असला क्या है भाई, लाठी है। यानी अपना तहफ्फुज़ क्या है भाई, मुसलमान उसके जरिए कर सकता है। सांप बिच्छू है, कुत्ता है और दीगर चीजें हैं, और भी तो दुश्मन है इंसान के, मुसलमान के, उन चीजों से भी क्या हो सकती है भाई, हिफाजत हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे इस बात को जिक्र फरमाया है, अगर कुफार सुलह का पैगाम भेजें तो फिर सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन खुद मुसलमान जो है कुफार को सुलह का पैगाम ना भेजें, क्योंकि इससे मुसलमानों के अंदर क्या है, कमजोरी महसूस होगी, ये कमजोरी मुसलमानों को नहीं दिखानी चाहिए। इरशाद फरमाया वा इन जनाहू लिस्सल्मि, अगर वो लोग मायल हो जाएं सुलह की तरफ, फजनाह लहा, तो तू भी मायल हो जा, अगर वो सुलह करना चाहें तो आप भी क्या कर ले भाई, सुलह कर ले। अब जहन में बाज मरतबा ये ख्याल पैदा होता है कि अगर हम कुफार से सुलह कर लेंगे, हो सकता है कुफार दोबारा जुड़ के ताकतवर होकर फिर हम पर दोबारा क्या कर ले भाई, हमला कर दें। अल्लाह ताला ने इस शुबे का जवाब इरशाद फरमाया है, वतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा कर, सुलह कर ले, अगर वो सुलह का पैगाम भेजे तो तुम भी क्या कर लो भाई, सुलह कर लो। अब ये जो जहन में बात आई है कि हो सकता है वो हम पर एक बार हमला कर ले, फरमाया वतवक्कल अल्लाह, फिर भरोसा किस पे करना है भाई, अल्लाह ताला पे करना है। अगर उनके वो जो है मुनाफकत की वजह से सुलह कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला पे क्या करो भाई, भरोसा करो। यहाँ से हमें भी एक उसूल मालूम हो गया कि अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अगर वो दूसरा जो है पैगाम सुलह भेजे तो हमें सुलह कर लेनी चाहिए। ये जो हमारे जहनों में शुबा पैदा होता है ना कि यार हम सुलह करेंगे और वो हमें जो है मार देने के लिए सुलह कर रहे हैं, मुनाफकत के तौर पे क्या कर रहे हैं भाई, सुलह कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमाया है, वतवक्कल अल्लाह, फिर जो अगर उनके दिल के अंदर मुनाफकत होगी तो फिर तुम किस पर भरोसा करो भाई, अल्लाह ताला पर भरोसा करो। तो इसलिए अगर कोई मुखालिफ भी सुलह का पैगाम भेजे तो सुलह कर लेनी चाहिए। जो शकूक व शुबात हमारे जहन में होते हैं उसका जवाब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करो, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है भाई, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। इरशाद फरमाया इन्नहु हुस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह ताला सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। कितनी प्यारी सिफत इरशाद फरमाई है कि अगर वो सुलह करने के बाद फिर तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो फिर अल्लाह सुनने वाले हैं ना, तो अल्लाह के सामने आकर दुआ कर लो, या अल्लाह तेरे भरोसे पे सुलह की थी, अब वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर वो जानने वाले भी हैं, उनकी हरकत को अल्लाह ताला जानते हैं, खुद बखुद अल्लाह ताला उनसे निमट लेंगे। अल्लाह पर भरोसा करके इंसान को हमेशा क्या कर लेनी चाहिए भाई, सुलह कर लेनी चाहिए। आगे इरशाद फरमाया वही यूरीदू अयखदाऊ का, अगर वो लोग इरादा करें आपको धोने का, धोखा देने का, फइन्ना हसबकल्लाह, फरमाया बेशक अल्लाह आपके लिए काफी है, हैं? अगर वो सुलह कर रहे हैं ताकि सुलह करके फिर मुसलमानों को धोखा दे, फिर अल्लाह ताला क्या है भाई, काफी है। वल्लजी अय्यदक बिनसरिही, वो अल्लाह जिसने ताकत पहुंचाई है अपनी मदद के साथ, वबिल मोमिनीन, और मोमिनीन के साथ, अल्लाह ताला ने अपनी मदद के साथ भी क्या पहुंचाई भाई, ताकत, और किसके साथ पहुंचाई भाई, मोमिनीन के साथ। क्या मतलब, मैदान बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा नहीं है, फरिश्ते आए, अल्लाह की तरफ से मदद आई, और मोमिनीन के जरिए भी क्या हुई मदद, कैसे, मोमिनीन को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत दे दी, हौसला दे दिया, हिम्मत दे दी इतने बड़े लश्कर के सामने लड़ने के लिए। ये हिम्मत किसने दी भाई, अल्लाह ताला ने दी है। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो फिर अल्लाह काफी है, और अल्लाह ताला ये पहले दिखा चुका है कि अल्लाह की मदद
मदद भी आई है, किसके जरिए भाई, खास मदद भी आई है और मोमिनीन के जरिए भी क्या आई भाई, मदद आई। आगे फरमाया वा अल्लाह फबैना कुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत बड़े एहसान का जिक्र फरमाया है, इरशाद फरमाया वा अल्लाह फबैना कुलूबिहिम, मोमिनीन के दिलों में आपस में जोड़ दिया, मोमिनीन के दिलों को आपस में क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया। आप जरा तारीख पढ़ के देखें कि औस और खजरज और दीगर कबाइल वो आपस में लड़ा करते थे, 100-100 साल की लड़ाइयां, अरबे बवास है 100 साल की, 100-100 साल तक लड़ा करते थे। और उनका मिजाज ये था कि घर में से कोई निकलता अगर किसी ने दूसरे को घूर कर देख लिया तो लड़ाई शुरू हो गई, है किसी की गाय भैंस किसी की उसमें चली गई, अपना जमीन में चली गई, लड़ाई शुरू हो गई। और 100-100 साल तक फिर कत्लो गारत हुआ करती थी, एक दूसरे को मारते, एक दूसरे को कत्ल करते। आप अंदाजा लगाएं जब जंग की सूरत हाल होती है कितनी बेचैनी होती है, जब हम अपने से अंदाजा लगा लें कि अगर हमारी किसी से मुखालफत हो जाए तो कितनी बेचैनी होती है। हालांकि लड़ाई न झगड़ा न कत्लो गारत, सिर्फ एक बोल चाल भी छूट जाए तो बहुत ज्यादा दिल को तकलीफ होती है कि नहीं होती। और वो लोग तो क्या किया करते थे, आपस में एक दूसरे को कत्ल भी किया करते थे, इतने सख्त दिल थे उनके। लेकिन अल्लाह ताला ने खास करम फरमाया, मोमिनीन के दिलों को आपस में जोड़ दिया, मोमिनीन के दिलों में क्या कर दिया भाई, यानी वो जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, ईमान की बरकत से उनके दिल क्या हो गए भाई, जुड़ गए। पीछे सारी की सारी जो नफरतें थी, कत्लो गारत थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। मालूम हुआ कि आपस में मोहब्बत का हो जाना ये भी बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है, कि जब आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद हो जाए, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए एक दूसरे की, तो इस पर क्या है, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, इनाम है। आगे फरमाया लव अनफक्ता मा फिल अर्जी जमीआ, अगर खर्च करते आप उन सब चीजों को जो जमीन में है, मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम, तो आप इनके दिलों में जोड़ न लगा सकते। ये किसने लगाया भाई, अल्लाह ने। सारी चीजों को खर्च करने के बाद भी ऐसी मोहब्बत पैदा ना होती जो अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर क्या कर दी, मोहब्बत को पैदा कर दिया। वलाकिन अल्लाह अल्लाह फबैनहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आपस में जोड़ दिया। अब वही आपस में ओस और खजर आप सुनते रहते हैं दरस के अंदर भी, तारीख में भी सुनते रहते हैं, वही जो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आप पर ईमान लेकर आए, तो आप पर ईमान लाने की बरकत से उनके दिल जुड़ गए, उनके दिल क्या हो गए भाई, एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार हो गए। फरमाया इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और हिकमतों वाला भी है, अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और हिकमतों वाले हैं। या अय्युहन नबीयो, ऐ नबी, हस्बुकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफी है, व मनित्तबाका मिनल मुमिनीन, और वो मोमिन काफी है जो आपकी ताबेदारी करते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया है कि आपकी मदद करने के लिए अल्लाह काफी है, और अल्लाह ताला ने जो आप पर लोगों को जो है आपका मुत्तबे बनाया है और वो आप पर ईमान लेकर आए हैं, वो भी आपके लिए क्या है भाई, काफी है। तो दोस्तों हमें इन बातों से सबक सीखना चाहिए, अगर किसी के साथ कोई आदमी पैगाम सुलह भेजे, कोशिश की जाए कि सुलह कर ली जाए, बाकी दिल में जो वसवसे होते हैं कि बाद में हमारे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो फरमाया उस पर अल्लाह पर क्या है भाई, तवक्कल कर लेना चाहिए। जो आदमी अल्लाह पे भरोसा कर लेता है फिर अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमें हर वक्त जो मुसलमान है हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए जिससे हमारी जिस्मानी वर्जिश होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ कुफार ने हमें इस तरीके पे लगा दिया कि हम सिर्फ लूडो पे बैठे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं या इसी तरीके से और गेमें खेल रहे हैं जिससे इंसान के जिस्म की वर्जिश नहीं होती। ऐसे खेल जिसके अंदर इंसान के जिस्म की वर्जिश हो वो खेल शरीयत ने जायज रखे हैं। कबड्डी है, अब लोग खेलते हैं, उसमें ताकत आजमाई जाती है। वॉलीबॉल है, ऐसा खेल है जिसमें इंसान जो है बिल्कुल चौकन्ना भी होता है और खेलते हुए इंसान की पूरा जिस्म हरकत करता है। तो ऐसे खेल ऐसी चीजें हमें खुद भी अपनानी चाहिए, अपने बच्चों को भी इस बात की तरफ लगाना चाहिए ताकि कम से कम इंसान इतना तो हो कि अगर दौड़ सके या किसी को पकड़ना चाहे, कम से कम इतनी चीजें तो इंसान को आनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दरस को कबूल फरमाए, हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।